है। हम लड़कों का जीवन इतना आसान नहीं होता है भाई, ठीक है। बचपन से झांसे में हम लोगों को रखा जाता है। पहले तो बचपन में ये कहा जाता था, पढ़ लो, लड़कों का राज है, लड़कियों का कुछ नहीं है, ठीक है। लड़कियों को तो बाद में जाके चूल्हा चौका करना होता है, ये करना होता है, ये होता है, वो होता है, लड़कों को तो एकदम राज करते हैं, घूमते हैं, बाहर जाते ये जाते हैं। वास्तविकता बताऊँ भाई, 10वीं तक तो मेरे भाई घर के सारे काम संभाले मैंने, ठीक है। आटा लाना, गेहूँ लाना, राशन लाना, ये करना वो करना। 10वीं के बाद जब 12वीं में गए ना, 2 साल तक यार जीवन के वो सारे कुछ, मतलब जितने भी संघर्ष इंसान कर सकता है ना, वो हर कुछ किया। आज मैं एकदम पढ़ा रहा था और मैं पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मेरे मन में एक बात याद आ गई कि मैं जब 12th क्लास में था और एक दिलीप सर करके थे रांची में, ठीक है, जो MS धोनी जो है उनके घर के बगल में ही वो पढ़ाते थे, वहाँ पे मैथ्स पढ़ाते थे, अभी राज ट्यूटोरियल के नाम से उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो मैं जहाँ रहता था आपको बहु बाजार, एक जगह है वहाँ पे, बहु बाजार से लेकर मैं दिलीप सर की कोचिंग लगभग 4 किलोमीटर की दूरी थी, और 4 किलोमीटर रांची में थोड़े से ऐसे पहाड़ वहाड़ टाइप में है, नाला पहाड़ ऐसे करके, तो हम लोग जाते थे पैदल 4 किलोमीटर और फिर वहाँ 4 किलोमीटर क्लास लेने के बाद आते थे। तो मैं अभी सोचता था, अभी मुझसे अगर कोई कह दे दिल्ली में जैसे मैं यहाँ पे हूँ 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना है, भाई हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तब तो स्टूडेंट लाइफ में क्या नहीं करता है कोई बच्चा यार, एक बात बताओ, जाएगा पहले सब्जी खरीदेगा, सब्जी वाले से रेट तोड़वाएगा, ऐसे कैसे 12 रुपये प्याज लोगे, चलो थोड़ा धनिया भी डालो, थोड़ा प्याज भी डालो, थोड़ा मिर्चा भी डालो मेरे भाई। तो पहले सामान खरीद के लेके आओ, फिर उसके बाद रूममेट में आपस में कंपटीशन, ठीक है, हम रोटी बनाएंगे तुम सब्जी बनाना, और अगर मेरे भाई यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं बनाया तो फिर उसके बाद भूखे पेट तो सो नहीं सकते, मजबूरी बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा कपड़ा धोना खाना बनाना, सारी 100 तरह की सारी प्रॉब्लम मेरे भाई, और उसके ऊपर से यहाँ पर फिर अपनी क्लास भी अटेंड करना, होमवर्क भी बनाना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी करना, क्योंकि जिसके पास साधन की कमी है तो वो क्या करे, ठीक है। अब वही मेरा रूममेट था, उसके पास 10,000 रुपये पर मंथ आते थे, उसके पापा बढ़िया से अकाउंट में डालते थे, जाता था ATM में, पैसा लगाएगा, निकालेगा, एकदम बढ़िया से घूमेगा बाइक वाइक पे हों करके, ठीक है। और अपने पास भैया जो ट्यूशन पढ़ा रहे हो, पैसा आ रहा है, गलती से गार्जियन ने तुम्हें पैसा लेट दे दिया तो 1 हफ्ते तक तुम्हारा राशन पानी बंद वाली स्थिति हो जाती थी, ठीक है। तो वही पैसा आएगा, उसी पैसे से तुम सामान खरीदोगे, खाना बनाओगे, अपना गैस भरवाओगे, अपना आटा खरीद के लेके आओगे, नमक तेल खरीद के लेके आओगे, बना के खाओगे और पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो होता है यार मेहनत, 10वीं में 2 साल उधर की, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में इधर मेहनत किया। तो लड़कों के जीवन में भी नहीं रहता यार ऐसा कुछ भी, हमारे जीवन में भी बहुत मेहनत होता है। हम लोग तो उल्टा सर्वगुण संपन्न होते हैं, हर गुण हर कला हमें आती है, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, ठीक है, पढ़ाई करना, और बाद में फिर यहाँ पर जो है बीवी बच्चे सबको मेंटेन करके चलना, ठीक है। 5,000 लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं बैठ के लेकिन लाइक नहीं मार रहे हैं, गड़बड़ काम है ना ये, भूल जाते हैं एकदम, याद दिलाना पड़ता है।